सामाजिक चिंतक, विचारक, लोकतंत्र रक्षक, सेनानी गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा सिसवा के पूर्व विधायक जगदीश लाल की पुण्यतिथि समारोह एवं गोष्ठी का आयोजन नेपाल क्लब के सभागार में किया गया, जिसमें पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, प्रोफेसर अनंत मिश्र, राममूर्ति सहित सभी दलों के नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर लोकतंत्र, संविधान एवं आम आदमी की जायज हक विषय पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, स्वर्गीय जगदीश लाल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस देश के विषय में जो हम तो जो वंचित लोग हैं उनके पक्ष में होना चाहिए, और अगर कोई बड़ा है तो मैं उस चाय की दुकान में अक्सर हम लोगों की आदत होती है, लेकिन जानबूझ के मैं जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि वहाँ बहुत सी बात कुछ हुई, तो मैंने कहा बेटा माफ करना ये बात। अब लड़कों को आईटी के इंजीनियर कहे थे नेहरू जी, जो कह देते हैं कि यहाँ पर जो है वो आने लगेगा कि अरुण कुमार के बाबा ने गोरखपुर को तो जन्म दिया था। अब ज्ञानी विचारहीन वो लहसुन खाता जिसको पीटो ये वहां नहीं जाता है, ऐसा करता वैसा करता। मैं बात कहना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ संगठन समाजवादी सोच क्या है, मनुष्यवादी सोच रखने वालों के लिए कष्ट ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। लोगों और दुनिया भर के लोगों के नाते इसीलिए और अंतिम बात कह करके एक व्यक्ति इस बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है, उसका बयान था कि चुन चुन करके रोहिंग्या मुसलमानों को निकालूंगा। उसको मैंने पढ़ा तो मुझे रामचरितमानस याद आया। रामचरितमानस की एक पंक्ति है कि शरणागत गहजे तजन हित अनहित पहचान, ते नर क्या है पाप में उनका मुख देखने में पाप लगता है। अगर कोई शरणागत आ गया है, वो रोहिंग्या हो, वो नट हो, सियार मरवा हो, दूसरे देश का है, कहीं का है, कहीं से आ गया है, तो जो हमारे देश की परंपराएं नहीं है उसको निकाला जाए। ये निकालने का ये आदमियत नहीं, वो चाहे हम करें, चाहे म्यांमार करें, चाहे ट्रंप करें, चाहे कोई दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा करता है और कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह की बात करती है। अगर गरीब कोई आ गया है, ये क्या तमाशा हो रहा है मनुष्य के साथ? अगर आप मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो राजनीति किस बात की होगी? तो बड़े सारे संकट हैं, लोकतंत्र खतरे में है, वैचारिकता खतरे में है, मनुष्यता खतरे में है, और दिक्कत यह नहीं खतरे में है, उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। मित्रों, और अंतिम बात अपने समाजवादी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी जिस पार्टी से मेरा बहुत दिनों तक ताल्लुक रहा है, उसके बड़े नेता हमारे यहाँ आए, उन्होंने कहा कि पंडित जी जरा हार का कारण बताइए। मैंने कहा हार का कारण तो स्वाभाविक है, जो हमारा मुद्दा नहीं था उसी मुद्दे पर वोट मांगोगे तो हारोगे ही। आज गौतम लाल ने 2-3 दिन पहले मुझे टेलीफोन किया कि जगदीश लाल जी की पुण्यतिथि है, आपको आना है, और हमारे नेता राम सिंह जी हैं, उन्होंने 2-3 बार कहा कि आप आते तो अच्छा रहता। आज मैं यहाँ आया, मुझे बेहद तकलीफ है, और तकलीफ इसलिए है कि यहाँ 2 पीढ़ियाँ बैठी हैं। एक पीढ़ी जिसमें हम सब लोग थे, जगदीश लाल जी, राम सिंह जी, उपेंद्र जी, ये जो हमारे साथीगण यहाँ बैठे हैं, तमाम तिवारी जी, और मैं जब उपेंद्र जी को और तिवारी जी को और जगदीश लाल जी को एक साथ बैठाता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि ये जीवंत लोग हैं, और ये लोग उस जमाने के नेता हैं कि कितनों संकट पड़ता था लेकिन ये मुस्कराते हुए चले जाते थे, कभी जीवन में कष्ट नहीं महसूस करते थे। भाई राम सिंह जी हैं,
बहुत पहले हमारे एक नेता थे, विश्वकर्मा जी हैं, वो कहते थे राम सिंह जी और जगदीश लाल जी पागलों को पालते हैं। ये उस समय विश्वकर्मा जी कहते थे और ये सच है कि हमारे नेता राज नारायण जी को लोग पागल कहते थे, जो समाज के बारे में सोचता है, उस पर अमल करता है, उसके लिए मरता है, उसके लिए चलता है, आज का समाज उसको पागल कहता है। लेकिन पागल सबसे बड़ा होता है, देश जाति से ऊपर होता है, मजहब से ऊपर होता है, बिरादरी से ऊपर होता है उसके, लेकिन उसको लोग पागल कहते हैं। जगदीश लाल जी के पुत्र हैं गौतम लाल जी, उन्होंने ये जो छपवा दिया है बैनर, इसी में पूरी जिंदगी जगदीश लाल जी की समाहित है। फोटो देख लीजिए पूरे नेताओं का, उसके बाद जो लाइनें लिखी हुई हैं, अगर इतने को गंभीरता से पढ़ लीजिए और देख लीजिए तो आपको जगदीश लाल जी पूरे रूप में याद आ जाएंगे। जगदीश लाल को मैं बहुत अच्छा नेता इसलिए मानता हूं कि शुद्ध रूप से राजनैतिक, शुद्ध रूप से राजनैतिक, कहीं भी कोई भी फिसलन नहीं, अपने धुन के पक्के। और कभी कभी तो अगर सभा होती थी टाउन हॉल पर तो चलते थे वहां से धर्मशाले पर से, तो ये नहीं बताते थे कि सभा कै बजे है, कहाँ है। देश में भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे हैं कि कहाँ सभा होगी। जब टाउन हॉल, जब गोल घर में आते थे टाउन हॉल के करीब, तो कहते थे 5 बजे सभा है टाउन हॉल में, एकदम जैसे हरफन मौला। हमारे तो उनकी इतनी स्मृतियां हैं कि हमारे साथ तो जेल भी रहे हैं बहुत दिनों तक, और दुर्भाग्य हमारा उनका दोनों का कि हम लोग जितना दिन जेल रहे उतना भी एमएलए नहीं रह पाए।